नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आज से शुरू, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज से यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर पुख्ता तैयारियां की गई है। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा की करवाई जाएगी। आपको बता दें कि ड्रोन कैमरों से हॉट स्पॉट की भी ट्रैकिंग होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। आज से यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है, तो इसको लेकर सभी तैयारियां भी पुख्ता की गई है। खासतौर पर सीसीटीवी से परीक्षा की निगरानी की जाएगी और जो हॉट स्पॉट है उन जगहों पर भी ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। हापुड़, आगरा, बहराइच, चित्रकूट, कानपुर, मैनपुरी और आगरा की ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 8 तस्वीरें मेरठ की तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां ड्रोन कैमरों से हॉटस्पॉट की ट्रैकिंग की जा रही है। तो वहीं परीक्षा केंद्रों में भी फुल प्रूफ तैयारी के साथ प्रशासन मौजूद है और ऐसे में परीक्षार्थियों की भी ट्रैकिंग के बाद उन्हें भीतर परीक्षा के लिए भेजा जा रहा है और सीसीटीवी के जरिए परीक्षा की निगरानी की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है, तो उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर बनाई गई है। इसके अलावा जो कुछ मुख्य केंद्र हॉटस्पॉट केंद्र जो है वहां पर ड्रोन कैमरे के जरिए भी नजर रखी जा रही है। तो आगरा से हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर और लखनऊ से टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ब्रिज किशोर, आपके पास आना चाहूंगी। आज से भर्ती परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है, किस तरीके की तैयारियां की गई और खासतौर पर आप मौके पर मौजूद है, किस तरीके की तैयारी देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आगरा में आज पुलिस भर्ती परीक्षा की शुरू हुई है, उसको देखते हुए आगरा पुलिस कंट्रोल रूम पे तीसरी नजर से लगातार परीक्षा पर नजर रखी जा रही है और 27 सेंटर बनाए गए हैं। वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में तीसरी आग की निगरानी में लगातार पिछली बार पेपर लीक के बाद सरकार द्वारा कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। तमाम विभाग की जो इंटेलिजेंस से लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं इसमें लगाई गई है। साथ वर्दी में पुलिसकर्मी है जो परीक्षा केंद्र के आस पास रहेंगे। तमाम जो जिम्मेदारियां जो तमाम जो विभाग है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं और कंट्रोल रूम से तमाम जो नगर निगरानी की जा रही है उसी जानकारी के लिए हमारे साथ कंट्रोल रूम प्रभारी डीसीपी अली अब्दुल सिंह सर, किस तरह से परीक्षा पर निगरानी रखी जा रही है और किस तरीके से जिम्मेदारियां लगाई है? देखिए, मल्टीपल लेवल के टेस्ट ऊपर एग्जाम में लगाए गए हैं, जैसे जो अभ्यर्थी अंदर दूसरे गए। ब्रिज, आपकी आवाज ऑथेंटिकेशन एक बार जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा और अभ्यर्थी अपने जो भी उसको क्लास अगर वहां जाके बैठेगा तो फिर से एक लेवल पे उसका फोटोग्राफ लिखा जाएगा एडमिट कार्ड का अभ्यर्थी का और बैक लेवल पे चेक किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत अभ्यर्थी आ गया हो और बिजली वहाँ लिखा हुआ हो सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा होगा जो नकल कर रहा होगा या चूक कर देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये प्रोसेस है। दूसरे स्तर की अगर हम बात करें तो जैसा हमारे कंट्रोल रूम में देख रहे हैं तो यहाँ पर ये पूरा टाइम मॉनिटरिंग चल रही है और इसी तक हो चुकी है, ये फ्री टेक्नोलॉजी आ रहा है। जैसे हमारे स्टाफ बैठा हुआ है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, ऐसे ही पांचों दिन ये मॉनिटरिंग है, ऐसे हमारे कैंडिडेट कोई अनफेयर नहीं पाया गया या कोई इंपोस्टर रहा या कोई गलत कैंडिडेट आ गया उसके खिलाफ। सूचना बिल्कुल ब्रिज आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ लखनऊ से टीएन मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं और साथ ही प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद, आपसे भी जानना चाहेंगे जो परीक्षा केंद्र है वहां पर किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, खासतौर पर नकल को रोकने के, नकल रहित परीक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम है? जी, आगे बता रहे हैं, प्रयागराज में पूरी 4 चौपन व्यवस्थाएं हैं। प्रयागराज में कुल
63 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 2,28,700 अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं, और ऐसे में नकल को रोकने के लिए खास तौर से सड़कों पर सीसीटीवी के इंतजाम किए गए हैं। और हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पुलिस के सुरक्षा कर्मी भी तैनात है, डिटेक्टर है, यहाँ से परीक्षार्थियों को इन डिटेक्टरों से और उनकी बैग की चेकिंग करके ही सेंटरों के अंदर जाने दिया जा रहा है, और खास व्यवस्थाएं हैं, पुलिस भी यहाँ सेंटर पे तैनात है पूरी तरह से, 4-4 व्यवस्थाएं, और प्लस 2 पालियों में ये परीक्षाएं कराई जा रही, 10 दिनों में यानी 10 पालियों में ये चलेगी, 5 दिनों के एग्जाम में और 2 पालियों में, 1 दिन में 2 पालियों में एग्जाम होंगे, और लगातार पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में छात्र यहाँ पर परीक्षा देने के लिए अंदर सेंटर में जा चुके हैं प्रति पाली के लिए। अबे कुलजीन, आपसे भी जानना चाहेंगे, लखनऊ की बात की जाए, यूपी के 67 ऐसे जिले हैं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लखनऊ में परीक्षा केंद्रों पर किस तरीके की तैयारी है, और खास तौर पर क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में छात्र जो है वो परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए जागृति, लखनऊ में लगातार जो है, खुद जो राजधानी है तो यहाँ से टोटल पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग हो रही है, और प्लस जिला के जो है एग्जाम हो रहा है, 193 सेंटर्स जो यहाँ पे जो लखनऊ के हैं उन पर मॉनिटरिंग हो रही है, 1167 जो पूरे यूपी के सेंटर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग भी लखनऊ से की जा रही है। सीएम कार्यालय खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, साथ में अपना प्रशासन कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी खुद इसके लिए लगे हुए हैं, और पुलिस DGP जो है प्रशांत कुमार खुद उसकी मॉनिटरिंग करा रहे हैं, तो चप्पे चप्पे पर जो है पूरी निगरानी है, पूरी शांतिपूर्ण व्यवस्था हो रही है। मैं इसमें निशादगंज के सेंटर पर खड़ा हूँ, रियासत दिखा रहे हैं बात किस तरह से सेंटर पर, देखिए कहीं आस पास कोई भटक नहीं रहा, जो कहना परिंदा ही पर नहीं मार सकता वो स्थिति कर दी कि इससे पुलिस की गाड़ी खड़ी है। और बाकी क्या है कि 15,000 लोगों के मोबाइल सर्विलांस में लगाए गए हैं, पूर्व मंत्री हैं सब जो है सपा के यासर शाह, उनके खिलाफ जो है FIR कराई गई है कि उन माना जा रहा है कि उन्होंने जो है भ्रामक तरीके से जो लोगों को डिजिटल फॉर्म में जो है QR कोड भेज करके पेपर लीक होने की बात करी थी, तो इस पर उनके खिलाफ 5 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। 100 मीटर दूर तक परीक्षा केंद्रों की धारा 144 लगाई गई है। तो इस तरह पूरे लखनऊ में और पूरे प्रदेश में जो परीक्षा का माहौल है पूरे शांतिपूर्ण से हो रहा, सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो सरकार भी एकदम चाहती है किसी तरह पेपर लीक की संभावना ना हो, और पेपर लीक की संभावना जिन पे लोग, ये पूर्व विधायक बेदीराम है जो इसमें जो है उनके सहित पेपर लीक कर उनका बहुत बड़ा अनुभव है, तो ऐसे 150 लोगों को जो है रडार पर लिया गया, उनकी लोकेशन जो सरकार के पास है और पुलिस लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है। जो 15,000 मोबाइल हैं जो सस्पेक्टेड हैं कि ऐसा कोई गतिविधि हम कभी लिप्त रहे हैं, तो उनके नंबर भी सर्विलांस पे हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कुल मिलाकर है कि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग चल रही, जो ऐसे तत्व हैं जो पेपर लीक करने के कभी भी जो उसमें आए होंगे तो उनको सबको सर्विलांस पे लिया गया, उनकी देख एक पचप्पे पे नजर है, और किसी तरह कोई जो है अभी कमी नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर के जो परीक्षा उस नकल रहित बनाने के लिए प्रशासन की पुरजोर कोशिशें यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के। और चलिए रुक लेते हैं बड़ी खबर का, बाराबंकी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, प्राइवेट स्कूल का छज्जा भरभराकर अचानक से गिरा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हादसे में करीब 3 दर्जन बच्चे घायल हुए हैं, जिला अस्पताल में फिलहाल बच्चों का इलाज जारी है, लेकिन DM पुलिस अधीक्षक ने इस घटना का जायजा लिया है, विद्यालय भवन को भी सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है बाराबंकी से, बड़ा हादसा हुआ है, दरअसल एक प्राइवेट स्कूल में ये बड़ा हादसा हुआ है और अचानक से स्कूल का छज्जा भरभराकर गिर पड़ा और इस दौरान 3 दर्जन से ज्यादा बच्चे हादसे में घायल हो गए। फिलहाल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है, और साथ ही DM और पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है, विद्यालय भवन को भी सील कर दिया गया है। तो वही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करीब 70 साल बाद फुटबॉल मैच का रोचक रोमांच खेल होने वाला है। ये मैच 2 सितंबर को बाबू केडी सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। हमारे स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर ने खेल क्रिकेट अनंत मिश्र और लखनऊ फुटबॉल संघ के सेक्रेटरी कन्हैया लाल से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। लखनऊ का बाबू केडी सिंह स्टेडियम एक बार फिर चर्चा में आने वाला है। अब की बार चर्चा का विषय इसलिए होगा क्योंकि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एक लंबे समय बाद में एक बड़े स्तर का मैच होने वाला है। वो मैच है जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है इस खेल का, यानी कि फुटबॉल
फुटबॉल का मैच यहाँ पे होने वाला है और इसकी तैयारी के लिए ग्राउंड केटी सिंह बाबू स्टेडियम का एक ग्राउंड है सजाया जा रहा है। किस तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा कि ग्राउंड सजाया जा रहा है, ये समय पूरी घास को लेबलिंग की जा रही है और जो ग्राउंड है ग्राउंड लेबल किया जा रहा है, किस तरीके से ग्राउंड लेबल होगा, क्या इसकी तैयारी है। यहाँ पे ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पहले बहुत बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, शीश महल होता था क्रिकेट का मैच पहले होता था, जो सामने पिच दिखाई दे रही है उस पिच पे शीश महल मैच होता था, बड़ी ट्रॉफी थी। उसके बाद नेशनल लेवल के भी तमाम मैचेस यहाँ पे हुए हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी जो नेशनल इंटरनेशनल फेम के क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ पे आते जाते रहे। लेकिन फुटबॉल का मैच अब की बार यहाँ पर नया रूप में आ रहा है, नए तरीके से आ रहा है, क्योंकि मैं इसके लंबा इतिहास है लखनऊ का फुटबॉल से, क्या इतिहास है इसके बारे में एक वरिष्ठ पत्रकार है अनंत कुमार मिश्रा जी, मैं उनसे पूछूंगा आखिर क्या है। अंकुर जी, ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम जहाँ पे आप खड़े हैं, ये कभी इसको बोलते थे टीन वाला मैदान, ये आसपास कुछ नहीं होता था, अमरूद के बाग, कैथे के बाग, और ये टीनों से घिरा हुआ था। तो एक एनएन मुखर्जी थे, हाबुल दा जिनको हम लोग बोलते हैं, वो इंडियन हॉकी के पहले कोच भी माने जाते हैं और जो गोल्ड फिल्म बनी है वो उन्हीं के किरदार को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो वो यहाँ पे फुटबॉल कराते थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी के कोच थे, लेकिन फुटबॉल में उन्हें बहुत ज़्यादा है। तो वो मैच कराते थे, बड़े बड़े मैच यहाँ पे होते थे, बाकायदा 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे इस तरह के यहाँ टिकट लगते थे। फिर जब सी वी गुप्ता जी आए तो उन्होंने ये कह के उनसे बात आत करके 57 के आसपास ये स्टेडियम बना, तब इसको नाम दिया गया सेंट्रल स्टेडियम। फिर जब 79 में केडी सिंह बाबू की डेथ हो गई तो उसका नाम केडी सिंह हो गया, केडी सिंह बाबू। तो मैं बात शुरू कर रहा था वहाँ पे, तो जब यहाँ टीन वाले मैदान में फुटबॉल के मैच होते थे तो आज़ादी मिली थी 47 में और 48 की बात है, ओलंपिक शायद लंदन ओलंपिक था, वहाँ पे टीम भी गई थी, टीम लौट के आई थी हॉकी की टीम, और यहाँ पे एक फुटबॉल का मैच भी आयोजित किया गया उस जलसे में। किसके बीच? नहीं, वो शायद एक लोकल यहाँ फुटबॉलर, बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी यहाँ पे थे, जो लोकल फुटबॉल खिलाड़ी थे, और एक ईस्ट बंगाल की टीम यहाँ पे खेली थी, ईस्ट बंगाल की पहली बार वो खेली थी। और ये जो मैच हो रहा है जी ईस्ट बंगाल का और मोहन बगान का जो मैच हो रहा है, ये तो ईस्ट बंगाल टीम लगभग 50 साल बाद 72 साल पहले आई थी, अब फिर आ रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये उस समय बड़े शुरुआती दौर की, तब टीमें इतनी प्रोफेशनल नहीं थी, लेकिन खेल बहुत अच्छा होता था। मैं इनके संदर्भ में लखनऊ फुटबॉल एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं कन्हैया लाल जी, मैं कन्हैया जी से पूछूंगा, कन्हैया जी आप ये बताइए कि आखिर क्या तैयारी है फुटबॉल की। फुटबॉल की तैयारी, ये बहुत बड़ा इवेंट है लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि आई लीग और ASL में जो इंटर काशी की टीम अभी कलकत्ता से बनाई गई है वो यहाँ पे आई थी ट्रायल के लिए, और यूपी की पहली टीम है जो कि ASL और आई लीग में लगातार खेल रही है। तो ये बाबू स्टेडियम जो कि ऐतिहासिक स्टेडियम है, और यहाँ पर CB गुप्ता जी जो DM थे, हाबुल दादा यहाँ मैच कराते थे, और इंडिया की बेस्ट 8 टीमें यहाँ पर रहती थी, उसमें सिटी क्लब जो कि चौक से ताल्लुक होता था, उसमें अग्गन साहब, सल्ली साहब, कैसर मिर्जा जी, खोनी बिहारी जैसे खिलाड़ी उस टीम से खेलते थे, और हाबुल दादा का ये कहना था किसी भी टीम से, पाकिस्तान की टीम भी यहाँ पे खेली है 100 मैच सिटी क्लब के अगेंस्ट, हाबुल दादा किसी भी बंगाल की टीम से कहते थे कि सिटी से मैच डाल दूंगा, तो समझ लीजिए आपकी सिटी क्लब की टीम इंडिया की बेस्ट 8 टीमों में थी, जिसने DCM टूरन सारे टूर्नामेंट खेले। तो ये नया मैच होने वाला है आज, मतलब दिल्ली के 10 तारीख होगा, ये 2 सितंबर को मैच होगा। मैच कितने बजे होगा? ये ठीक शाम को 7 बजे होगा फ्लड लाइट के अंदर। अच्छा। और ये उत्तर प्रदेश में जो कि फुटबॉल का कोई भी स्टेडियम नहीं है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश खिलाड़ियों से उम्मीद करता हूं और ये घोषणा करना चाहता हूं कि इस स्टेडियम को फुटबॉल के लिए बना दिया है जो कि फुटबॉल का गढ़ बन जाए। ये बहुत अच्छी बात है, फुटबॉल पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 गेम माना जाता है। और लेकिन अब ये पूछना चाहूँगा, जो मैच होगा वो रात को शाम को 7 बजे शुरू होगा, खत्म कितने बजे होगा? ये बॉस 10 बजे करीब खत्म होगा, 9 बजे, क्योंकि 45 मिनट का एक हाफ होगा और 20 मिनट का इसमें लंच ब्रेक होगा, और उसके बाद ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट माननीय कन्याल चौबे जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग में भी आए थे और उनका फुटबॉल से, वो खुद भी मोहन बगान क्लब के गोलकीपर रहे हैं, तो उनका ये अथक प्रयास था क्योंकि उत्तर प्रदेश में फुटबॉल को बढ़ाने के लिए, जिस तरह दर्शकों को लाने के लिए, क्या यहाँ पर कोई टिकटिंग की व्यवस्था है? नहीं, ये फ्री करा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्रीड़ा भारती इस फुटबॉल टूर्नामेंट, इस फुटबॉल मैच का आयोजन करा रहा है, अरविंद कुमार सिंह जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं विधान परिषद के, उनकी अगुवाई में मैच हो रहा है, और ये उत्तर प्रदेश के लिए और लखनऊ के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इस तरह का आयोजन 70 सालों के बाद
इस बाबू स्टेडियम में दोबारा किया जा रहा है। इसमें निदेशक खेल का ही बहुत बड़ा ग्राउंड ग्राउंड में दिखाना चाहूंगा, एक मिनट कैमरा मैन से कहूंगा, देखिए आप तो सेक्रेटरी, ये ग्राउंड जैसा दिख रहा है, पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ये इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए कितना मुफीद है या नहीं है, या इसे और डेवलप किया जाएगा? देखिए अभी आपकी जानकारी के लिए भी कुछ दिन पहले एक आना स्टेडियम में एक ISL का मैच हुआ था मोहम्मदन स्पोर्टिंग और इंटर काशी के बीच, उस ग्राउंड को देखते हुए जबकि वहाँ पे बालू थी और उसमें मैच कराया गया तो उससे खिलाड़ी काफ़ी परेशान थे। ये ग्राउंड जो कि ऐतिहासिक ग्राउंड है, इसमें कई ओलंपियन कई इंडियन प्लेयर निकले हैं और इसको बरसात का समय है, इसको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा, जिससे खेल विभाग के निदेशक इसमें लगातार बारीकी बनाए हुए हैं और उन्होंने खेल विभाग के जितने भी प्रशिक्षक हैं उनको यहाँ पर अटैच कर दिया है, उनके संरक्षण में जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर ये ग्राउंड आपको प्रिपरेशन पूरा मिलेगा, तैयार हो गया। अच्छा, इस ग्राउंड में क्या खासियत होगी जो लखनऊ में अब तक नहीं पाई गई है? इस ग्राउंड में खासियत यह है कि पहले यहाँ पे स्पोर्ट हॉस्टल हुआ करता था बाबू स्टेडियम में हॉकी का, जब टर्फ नहीं थी तो इसी में रविंदर पाल जी ओलंपियन जो हमारे बीच में नहीं है, मोहम्मद साहिद जो कि हमारे बीच में नहीं है, और जम्मल लाल शर्मा जी जो कि इंडिया टीम के कोच भी रहे, इसी हॉस्टल को उन्होंने नौनों लड़के इंडिया में खेलते, तो ये वो ग्राउंड है ऐतिहासिक ग्राउंड, इसमें बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। बहुत अच्छा ग्राउंड है और मैच अच्छा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है जी, खिलाड़ियों को बहुत मजा आएगा क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी ग्राउंड है और जो भी लोकल दर्शक हैं मैक्सिमम यहाँ पे पहुँचेंगे क्योंकि ये फ्लड लाइट में उत्तर प्रदेश में पहली बार फुटबॉल का कोई मैच हो रहा है। ये देख कन्हैया लाल जी, कन्हैया जी बता रहे हैं जो कि लखनऊ फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और मतलब पूरी तौर से लंबे समय से इसमें जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि बहुत अच्छा गेम होने वाला है, अपने अद्भुत गेम होगा, बहुत लंबे समय बाद हो रहा है और इसकी तैयारी पूरी है। उनका कहना है कि खेल के विभाग के जो मुखिया हैं वो खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, एक पल पल जानकारी कर रहे हैं, अब देखने की बात होगी कि फुटबॉल मैच कैसा होता है, लेकिन निश्चित रूप से मैच जो होना है बहुत रोमांचक होगा क्योंकि दोनों टीमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। और चलिए रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। फतेहपुर में SBI ब्रांच में लगे जनरेटर की बैटरी चोरी, जनरेटर के मालिक ने दोनों को पकड़ा, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। महोबा में राजकीय इंटर कॉलेज GGIC के अध्यापक धरने पर, समय से वेतन न मिलने से परेशान है दर्जनों अध्यापक, लेखाधिकारी पर लगाया लापरवाही करने का आरोप। बुलंदशहर में पूर्व विधायक बंशी पहाड़िया को 3 साल 11 महीने की सजा, 50,000 का जुर्माना, कोर्ट से न्यायिक हिरासत में बंशी पहाड़िया को भेजा गया जेल। कोलकाता रेप मर्डर मामले में आगरा में विरोध प्रदर्शन, सर्व समाज के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, हाथों में नौ सेफ्टी या नौ ड्यूटी की तख्तियां लगाकर किया विरोध। अंबेडकर नगर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद, सभी बोर्डों के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित, यातायात सुगमता के चलते अवकाश घोषित। सुल्तानपुर में धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख पद पर पहली बार लहराया भगवा, भद्र परिवार का टूटा तिलिस्म, बीजेपी की दलित प्रत्याशी पार्वती सरोज 3 मतों से जीत। कानपुर देहात में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई पुलिस भर्ती परीक्षा, जिले के 6 केंद्रों पर 2,304 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, CCTV से लैस कंट्रोल से रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में जवान हुआ शहीद प्रतापगढ़ लाया गया पार्थिव देह, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। प्रयागराज में युवक की हत्या से मची सनसनी, परिजनों ने किया चक्का जाम, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की शुरू। बरेली के फरीदपुर थाना प्रभारी निरीक्षक रामसेवक पर FIR दर्ज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज, 7 लाख लेकर थाना प्रभारी ने 2 मादक पदार्थ तस्कर को किया था रिहा। और चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के।